हेलो, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्य एक्सीलेंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मैथ के ऐसे क्वेश्चन जो आप सेकेंडों में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन है 20 + √20 + √20 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिक द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर 20 दिया गया, ठीक है, तो 20 को आप यहाँ पर लिखिए और 20 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर 1 हो। तो हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं 5 × 4। ठीक है, 5 × 4 मतलब 20। अब इसमें आपको अंतर कितना नजर आ रहा है, तो इसका अंतर 1 नजर आ रहा है। ठीक है, 5 और 1 5 4 और 1 5 होता है। ठीक है, या आप 4 × 5 = 20 भी कर सकते हैं, या 5 × 4 भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 × 5 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या 5 × 4 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अंतर आपको 1 आना चाहिए। ठीक है, और इस अंतर में आपको कौन सी, किस गुणनखंड में आपको कौन सी बड़ी संख्या नज़र आ रही है, तो ये आपकी बड़ी संख्या नज़र आ रही है। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप गुणनखंड करके ऐसे सवालों को यदि आप किताबी विधि से भी लगाते हैं तो इसका भी आंसर 5 ही आ जाएगा। ठीक है, यदि आप लगाइए, यदि कोई भी दूसरा आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यदि दोस्तों ये प्लस के जगह यदि माइनस माइनस रहता है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, सिंपली ये दोस्तों, यदि यहाँ पर माइनस दिया गया है तो आप क्या करेंगे। माइनस दिया गया है तो ठीक उसी प्रकार हम 20 का गुणनखंड करेंगे तो 4 × 5 = 20। ठीक है, इसका भी अंतर आपको 1 आना चाहिए। ठीक है, और यदि माइनस दिया गया है तो यहाँ पर हम छोटी वाली संख्या, ठीक है, अर्थात 20 का गुणनखंड जब हम करेंगे पहली संख्या का, तो उसमें आपका जो छोटी संख्या है गुणनखंड करने पर वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस है तो यहाँ पर हमारा 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं अगला सवाल इसी नियम पर। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों अंत तक। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर मैंने लिखा है √12 + √12 + √12 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कोई और दिया जाए, जैसे बराबर का चिन्ह दे दे, ठीक है, तो आप कैसे लगाएंगे मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो अगले वीडियो को भी देखना न भूलिएगा। मैं आपको डेली एक ट्रिक के माध्यम से एक मैथ का क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं आपके लिए एक नई वीडियो प्रोवाइड करता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया जो 12 अंक दिया है, 12 को हमको ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 आए। तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 3 × 4 अर्थात 3 × 12, और इसका अंतर कितना आ रहा है, तो इसका अंतर आ रहा है 1। जैसे 3 और 1 = 4, अंतर 1 हुआ। ठीक है, अब इस अंतर में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है जो चिन्ह वो है प्लस प्लस। ठीक है, तो इस प्लस प्लस को मतलब हम ये समझेंगे कि इसमें जो आपकी बड़ी संख्या है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 दिया गया है, ये 4 हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यदि माइनस दिया गया है। जैसे यहाँ पर 12 माइनस दिया गया है, 12 − √12 − ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि √12 − √12 − √12 और डाटा डाटा क्वेश्चन मार्क। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पहले पहली संख्या का गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड करेंगे तो 3 × 4 = 12 और इनका अंतर 1 आना चाहिए। आप नहीं कि 6 × 6 करेंगे, जैसे 6 × 6 = 12 आता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। बस आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका अंतर 1 आना चाहिए, कितना 1 अंतर आना चाहिए, तभी आपका सवाल ये सही होगा। तो 3 × 4 अंतर 1 आया, और इस 4 में माइनस दिया गया है। माइनस का मतलब यहाँ पर आप समझिए कि छोटी संख्या हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर हमारे छोटी संख्या दी गई है 3, इन गुणनखंडों में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा √12 − √12 − √12 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन
तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो सही आंसर आ जाएगा ये 3 आएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपको क्वेश्चन बदल के एक दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने कवर किया है अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा कि अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जितने भी अंडर रूट में है ये सब सम संख्या है, इसीलिए ये आसानी से आ जा रहा है। तो यदि आपको अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो आप क्या करेंगे, ठीक है। मैं इसका भी ट्रिक आपको बता रहा हूँ अगले क्वेश्चन में, ठीक है। इसी वीडियो में आपको मिलेंगे, ऐसे ट्रिक को भी समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको बताए गए हैं ये आपको सम संख्या पर लागू होता है। अब आपको क्या, यदि आपको असम संख्या दी हो तो आप कैसे करें, जिनका गुणनखंड ही नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसको पहले देखिए, 72 दिया गया है, तो 72 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर एक आए। तो 72 का हम गुणनखंड करते हैं तो आएगा 9 गुणे 8, तो इसका अंतर कितना है 1। और हमारा इसमें प्लस दिया गया है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस का मतलब कि बड़ी संख्या वाला हमारा आंसर होगा, तो हमारा इसमें सही आंसर आ जाएगा 9। दोस्तों आप ट्रिक से लगाइए, हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से लगाइए, बस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और डेली हमारे वीडियो को देखिए, क्योंकि हम हर एक वीडियो रोज़ आपको लाते रहेंगे केवल ट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 9 आंसर आ जाएगा। अब यही दोस्तों यदि यहाँ पर आपको माइनस दिया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस यदि आपको दिख जाए तो आप क्या करेंगे, बस वही ट्रिक आपको आजमाना है। 72 का तुरंत गुणनखंड कीजिए 9, 8, 72 और माइनस है तो छोटी संख्या ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको केवल 2 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको दिमाग में ये प्रैक्टिस करना होगा कि 72 का हम क्या गुणनखंड करें कि 1 आ जाए, 30 का क्या गुणनखंड करें कि हमारा 1 आ जाए अंतर। जैसे यहाँ पर आपको 30 को ले लेते हैं, 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30, ठीक है। अब इसका डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, अब इसका आपको गुणनखंड करना है कि अंतर एक आए। फटाफट कीजिए दोस्तों, फटाफट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दोस्तों हमको ये समझ में आ जाएगा, सर ये हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, अगले स्टेप पर बताइए, तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको एक और ट्रिक के माध्यम से एक और क्वेश्चन बताऊँगा जो आप हर एक परीक्षाओं में आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, जैसे 30 दिया गया है, 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। अब 30 का आप फटाफट गुणनखंड कीजिए, बस आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि इसका गुणनखंड ये होगा कि इसका अंतर 1 आ जाएगा। तो 30 का हम ऐसा गुणनखंड कर रहे हैं कि अंतर इसका कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 30 का गुणनखंड क्या करेंगे, 5 गुणे 6 कितना होता है 30, और प्लस दिया गया है तो हमारा बड़ा वाला संख्या, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस दिया गया है तो यहाँ पर आपका बड़ा वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया गया है, यहाँ पर माइनस दिया गया है तब आपका ये 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं अगले स्टेप में, क्वेश्चन बदल कर, तरीका बदल कर, ट्रिक बदल कर, नियम बदल कर, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। हम मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका दिया है क्वेश्चन में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है और डॉट 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 क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, आप केवल देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले आपको 3 का गुणनखंड करना है, 3 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि अंतर 1 आए, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 3 का गुणनखंड होगा, ठीक है। होगा भी तो इसका अंतर 1 नहीं आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 3 के आगे या 3 से 1 पीछे, ठीक है, ध्यान देना है 3 से 1 आगे या 3 से पीछे ऐसी संख्या को ढूंढना होगा जिसका हमको आसानी से गुणनखंड हो जाए, ठीक है, और इसका आंसर हमको मिल जाए। तो 3 का गुणनखंड करेंगे तो एक संख्या पीछे लेते हैं, तो 1 गुणे 2, ठीक है, और अंतर कितना आ रहा है, अंतर भी सही आ रहा है,
तो हमारा इसमें जो सही आंसर आ जाएगा एक या दो, क्या आएगा? एक व दो, मतलब कि हमारा आंसर ऑप्शन इस तरह रहेगा कि एक व तीन, एक व चार, एक व छः, इस तरह ऑप्शन दिए रहेंगे ऐसे सवालों में, ठीक है? ना कि आपको केवल एक ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एक और क्वेश्चन आपको रिपीट करता हूँ, सामने आपके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? यह भी सेम उसी तरह का है, असम संख्या है, 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 का गुणनखंड नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? 5 के बाद क्या आता है संख्या? 6, और 6 का गुणनखंड हम आसानी से कर सकते हैं। 6 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3, ठीक है? कितना हो गया? 3 2 5, इसी तरह हो जा रहा है, ठीक है? तो हाँ, 2 गुणे 3 अर्थात 6 का हमको मिल गया, तो इसमें हमको प्लस दिया गया है, ठीक है? सेम वही नियम अपनाएंगे, इसमें आपका क्या दिया गया है? प्लस दिया गया है, तो हमारा कौन सी संख्या होगी? तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगी। लेकिन वो नियम केवल वहाँ पर फॉलो होता था दोस्तों, यहाँ पर वो नियम फॉलो नहीं होता है, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 6 का गुणनखंड किए 3 गुणे 2, तो हमारा आंसर ये होगा कि 3 व 2, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगले वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन पर एक बार और रिपीट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो कमेंट में देखते हैं दोस्तों किनके किनके समझ में आ गया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में खतरनाक ट्रिक्स के साथ, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।